अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉगिन अप्रूवल नीडेड के बारे में। अगर आपका फेसबुक अकाउंट आपसे लॉगिन अप्रूवल नीडेड ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ और आपको रिकवर करने का तरीका बताऊँगा कैसे आप रिकवर करेंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक स्टेप वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप सबको मिल सके। लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाजमी से लाइक करना है, ठीक है। और एक चीज़ आपसे मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर आप वीडियो देख के आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ फेसबुक की ऐप को ओपन कर लेना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों डाल देना है, जैसे कि मैं दोनों डाल लेता हूँ। तो मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर किया है मैंने, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसी तरह आपने रैंडमली अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल देना, ठीक है। उसके बाद इस तरह का इस डीसी अकाउंट, तो आपका अकाउंट है तो आपने येस एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगेन आपने पासवर्ड सबमिट करना है, मैं पासवर्ड सबमिट कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने सबमिट किया, लॉगिन के बटन पर क्लिक किया, अब ये कह रहा है कन्फर्म योर आइडेंटिटी, ओके के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये कह रहा है कि लॉगिन अप्रूवल नीड। अब यहाँ पे हमने बात को समझना है, ठीक है। पहले कोई भी आप फेस मतलब कि पेज इंटरफेस करते हैं, मतलब फेसबुक का कोई भी प्रॉब्लम आप जब फेस करते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम के बारे से, आपको सबसे पहले आपको स्क्रीन में कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आती हैं, उनको लाजमी से पढ़ा करें कि उनका मतलब क्या है, उनका मकसद क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ लिखी है जी, इट लुक्स लाइक ए, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसलेटर पर ले चलता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें, ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। लॉगिन अप्रूवल नीडेड और ये कुछ स्टेप्स उसने बताए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको जो है ना ट्रांसलेटर पर ले चलता हूँ। ब्राउज़र पर आके मैंने ये पेस्ट कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम नीचे इसको उर्दू में देखते हैं तो ये कह रहा है कि ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे ब्राउज़र डिवाइस या मुकाम से अपने अकाउंट में तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कि आपने अपने अकाउंट में कोई चेंजिंग, शायद आपने कोई नेम, ईमेल एड्रेस या कोई नंबर आपने चेंज करने की कोशिश किया, इस वजह से फेसबुक आपसे लॉगिन अप्रूवल नीडेड मांग रहा है। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब कोई आप अपने अकाउंट में कोई चेंजिंग लाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि जिसे आप आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं फेसबुक पर, वापसी आने से पहले हमें तस्दीक करनी होगी ये कि आप क्या हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि फेसबुक कह रहा है कि आपने अपने अकाउंट में कुछ तब्दीली लाने की कोशिश की है जिसकी वजह से हम जो है ना आपके अकाउंट को जो है ना आपके अकाउंट को हम जो है ना चेक करना चाहते हैं, ठीक है। पहले उसके लिए अप्रूवल हमें चाहिए, ठीक है। अब हम लाइट पर वापस क्लिक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अप्रूव योर लॉगिन ऑन एन अदर फ़ोन और कंप्यूटर। आप खुद समझदार हैं, अप्रूव योर लॉगिन और एन अदर फ़ोन और कंप्यूटर मतलब कि अपने मोबाइल को किसी फेसबुक अकाउंट को किसी और मोबाइल या कंप्यूटर में आपने लॉगिन करके देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हाउ डू यू वांट टू कंफर्म दैट दिस इज योर अकाउंट, यू कैन ट्राई टू दिस ऑप्शंस आर मोर, ठीक है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है यहाँ पे आपने, यहाँ पर जैसे ही हमने किया अब ये कह रहा है टू कंटिन्यू प्लीज़ अप्रूव द लॉगिन ऑन ए फ़ोन ऑन ए कंप्यूटर यू हैव यूज़ बिफोर, ठीक है। फिर हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं, अब ये कह रहे हैं कि लॉगिन वॉज नॉट अप्रूव। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये इस वजह से कह रहा है कि लॉगिन वॉज नॉट अप्रूव्ड के अब आपने जो है ना किसी और मोबाइल में पहले जहाँ पे आपने अकाउंट लॉगिन किया है या कंप्यूटर में वहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वापस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी और मोबाइल में लॉगिन नहीं किया, पहले इसी मोबाइल में आप लॉगिन करते रहें, तो आपने क्या करना है कि आपने एक न्यू डिवाइस पीसी में हो गया, ठीक है, मोबाइल में आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसको डेस्कटॉप साइट ओपन करके या फेसबुक की ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके वहाँ पे लॉगिन करके चेक करना है, आपका अकाउंट जो है रिकवर हो जाएगा और आपकी लॉगिन अप्रूवल नीडेड जो आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, फिर हाजिर होगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।